और प्रयागराज से खबर आपको बताते हैं, जहां समाजवादी पार्टी के नेता अमरनाथ मौर्य की गुंडागर्दी सामने आई है। दरअसल यहां नगर निगम की टीम को अमरनाथ मौर्य ने राइफल लेकर दौड़ाया है और ये टीम अपनी ही जमीन को खाली कराने के लिए पहुंची थी, जिस पर अवैध तरीके से भूमाफिया अमरनाथ मौर्य ने कब्जा कर रखा था। और जब अपनी ही टीम को मुक्त कराने के लिए, कब्जा मुक्त कराने के लिए, जमीन को टीम मुक्त कराने के लिए पहुंची, तो कैसे अमरनाथ मौर्य ने नगर निगम की टीम को हाथों में राइफल लेकर दौड़ाया है और दोबारा से पार्क की उस जमीन पर कब्जा कर लिया है जिसको कब्जा मुक्त कराने के लिए नगर निगम की टीम वहां पर पहुंची थी। समाजवादी पार्टी के नेता ये बताए जा रहे हैं, अमरनाथ मौर्य जिनकी गुंडई तस्वीरों में कैद हो गई, दरअसल वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में ये पूरा मामला उसके बाद खुलकर सामने आया, जिसमें सीसीटीवी में पूरी तस्वीर कैद हो गई और वहां पर कुछ सुरक्षाकर्मी भी मौजूद हैं, उनसे वो बात कर रहे हैं, उनसे ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर नगर निगम की टीम गई किस तरफ है, क्योंकि बुलडोजर के साथ देखिए टीम वहां पर पहुंची थी और जब टीम एक्शन लेने के लिए पहुंची अपनी ही जमीन को, सरकारी जमीन है, सरकारी पार्क है, मुक्त कराने पहुंची तो राइफल लेके दौड़ा दिया। तो समाजवादी पार्टी के नेताओं की गुंडागर्दी लगातार सामने आ रही है। अब एक और मामला सामने आया है, ये सामने आया है बाराबंकी में, उत्तर प्रदेश का बाराबंकी, जहां से एक वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि कैसे समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं वो गुंडागर्दी करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि मामूली सी बात पर टोल कर्मियों के साथ कहासुनी हुई थी और उसी कहासुनी में टोल कर्मियों को किस तरीके से समाजवादी पार्टी के नेताओं ने मारा पीटा, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। यूपी के बाराबंकी से आई जरा इन तस्वीरों को देखिए, वीडियो में मारपीट करते दिख रहे माननीय दिनेश सिंह हैं, समाजवादी पार्टी के पूर्व ब्लॉक प्रमुख बताए जाते हैं। यूपी सरकार की सख्ती के बाद भी कुछ नेता अपने रसूख छोड़ने को तैयार नहीं है। वीडियो में दिख रहे माननीय नेताजी रसूख के दम पर कुछ भी करने को तैयार है। समाजवादी पार्टी के पूर्व ब्लॉक प्रमुख पर टोल कर्मचारियों के साथ मारपीट और अपहरण करने के प्रयास का आरोप है। पूर्व ब्लॉक प्रमुख दिनेश सिंह बाराबंकी अयोध्या हाईवे पर टोल कर्मचारियों के साथ गुंडाई करते नजर आए, टोल कर्मचारियों के साथ मारपीट की, उन्हें बुरी तरीके से मारा पीटा। मारपीट के बाद भी सपा नेता नहीं रुके, नेताजी ने टोल कर्मचारियों को जबरन अपनी गाड़ी में बिठाकर अपहरण करने की कोशिश भी की। ये सब विवाद शुरू हुआ मामूली सी बात पर। बताया जा रहा है टोल कर्मचारियों ने पूर्व ब्लॉक प्रमुख के बेटे की गाड़ी को पास नहीं किया, जिससे समाजवादी पार्टी के ब्लॉक प्रमुख नाराज हो गए। नेताजी नाराज भी इस कदर हुए कि मारपीट पर उतारू हो गए। गाड़ी पास न करने पर पूर्व ब्लॉक प्रमुख ने टोल कर्मियों से मार की। आरोप है कि नेताजी के साथ उनके समर्थकों ने कर्मचारियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। मारपीट की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। पूरा मामला लखनऊ अयोध्या हाईवे पर स्थित अहमदपुर टोल प्लाजा का है। बाराबंकी जिले के भिटरिया के पूर्व ब्लॉक प्रमुख दिनेश कुमार सिंह अयोध्या की ओर से लखनऊ जा रहे थे। इसी दौरान उनकी गाड़ी जब टोल प्लाजा के गेट नंबर 2 पर पहुंची तो वहां पर कुछ काम चल रहा था। टोल कर्मचारियों ने दिनेश कुमार सिंह को दूसरे गेट से गाड़ी ले जाने के लिए कहा, लेकिन नेताजी उसी टोल से जाने पर अड़ गए, जिसके बाद टोल कर्मचारियों से कहासुनी हुई। देखते ही देखते नेताजी का पारा हाई हो गया और नेताजी मारपीट करने लगे। मारपीट में दोनों टोल कर्मी बुरी तरह घायल हुए। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर टोल कर्मचारियों ने आरोपी ब्लॉक प्रमुख के खिलाफ में शिकायत की। पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए जांच पड़ताल शुरू कर दी है, साथ ही सीसीटीवी की भी जांच की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आप देखिए टोल कर्मियों पर सपा नेताओं की कैसे गुंडई दिखी, उन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, लेकिन इस पूरे मामले पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव चुप्पी तोड़ेंगे या नहीं, ये बड़ा सवाल है। लेकिन इसी पर सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं। कन्नौज में भी वैसे पकड़े गए, जैसे लगता है पार्टी का चरित्र ही ऐसा हो गया इनके, और इसीलिए दुष्कर्मियों का बड़ी बेशर्मी के साथ लोग समर्थन कर रहे हैं। लेकिन बहनों और भाइयों, आज भी उनकी वो आदत छूटी नहीं, लेकिन आदत सुधारने के लिए कानून भी है, कानून का डंडा भी है, और कानून का डंडे का इस्तेमाल करके ऐसे दुष्कर्मियों के साथ सख्ती से निपटने का काम तो होगा ही। कन्नौज मामले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें,
दरअसल पीड़िता की बुआ को गिरफ्तार कर लिया गया है। आज सुबह ही पीड़िता की बुआ को गिरफ्तार किया गया है। लंबे समय से पुलिस को तलाश थी और ये बुआ फरार चल रही थी, हालांकि खुद को लगातार पाक साफ बताने की कोशिश भी कर रही थी। नवाब सिंह से सीधे कनेक्शन था उसका, और ये बताया जा रहा है कि नौकरी के नाम पर नवाब सिंह के पास बुआ ही लेकर गई थी नाबालिग को, जहां उसके साथ दुष्कर्म की कोशिश की गई और खुद उसने पुलिस को फोन करके इस पूरे मामले की जानकारी दी। कैसे ये गिरफ्तारी हुई रिपोर्ट में देखिए। मेरी बात हुई थी इनसे, नवाब भैया से, तो मेरे को घर भी जाना था, लेट हो रही थी, ऑटो था नहीं, बोले मैं गाड़ी से भिजवा दूंगा, आप 10 मिनट के लिए आ जाइए। वो महिला जो रेप के आरोपी नवाब सिंह को भाई भाई कहते नहीं थक रही थी, जो अपनी भतीजी के लिए लड़ने के बजाय उसी पर सवाल उठा रही थी, आज वही बुआ पुलिस की गिरफ्त में है। लेकिन आरोपी बुआ अपनी भतीजी के लिए लड़ती भी कैसे, क्योंकि आरोप है कि बुआ ने ही नाबालिग लड़की से हुई घिनौनी हरकत में नवाब सिंह की मदद की थी। तब समय मौके पर लड़की की बुआ भी मिली थी, शुरुआत में वो विवेचना में सहयोग कर रही थी, वो मुकदमा भी लिखाने आए थे। अगले दिन जब लड़की के माता पिता थाने पे आए तो उन्होंने ये बताया कि इतनी बड़ी घटना हो गई थी और लड़की की बुआ ने इनको कोई सूचना नहीं दी, उन लोगों ने भी लड़की की बुआ पे आरोप लगाया। अभियुक्ता को गिरफ्तार कर लिया गया है और इसमें तथ्यों के आधार पर विधिक कार्रवाई की जा रही है। पीड़िता की बुआ 7 दिन से फरार थी। बुआ कितनी शातिर थी इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसे पकड़ने के लिए 6 टीमें लगी हुई थी। 7 दिन से लगातार चल रही छापेमारी के बाद पीड़िता की बुआ कन्नौज पुलिस के हत्थे चढ़ गई, जिसकी वजह से नवाब सिंह की मुश्किलें और बढ़ गई हैं, क्योंकि पीड़िता की बुआ ही रेप मामले की असली धुरी है। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस दिन नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ पीड़िता की बुआ वहां मौजूद थी। यही नहीं, आरोप ये भी है कि पीड़िता की बुआ ने घिनौनी घटना में नवाब सिंह की मदद की, खुद को घिरता देख पीड़िता की बुआ गायब हो गई। ये आ रही थी, जो हमारी बहन थी, हाँ। ये आ रही थी गांव, हाँ। तो इन्होंने बोला कि हम गांव जा रहे हैं, लड़की को भेजो तो भेज दो, हाँ। तो हमने सोचा ठीक है, जा रही है तो बहन के ऊपर तो हर ही कोई भरोसा कर लेता है, भाई बहन है, ठीक है, तो हमने इनको भेज दिया इनके साथ, और यहाँ आने के बाद ये समस्या बन गई। इससे पहले कन्नौज दुष्कर्म मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी नवाब सिंह को गिरफ्तार कर लिया था। नवाब सिंह समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का करीबी है। यही नहीं, अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव का सांसद प्रतिनिधि भी रह चुका है। पहले अयोध्या और अब कन्नौज, दोनों ही जगह आरोपियों का सपा कनेक्शन है, तो सवालों के घेरे में समाजवादी पार्टी भी है। सवाल अखिलेश यादव की चुप्पी पर है। एक तरफ कन्नौज केस में परत खुलती जा रही है, लेकिन अखिलेश यादव इतने संवेदनहीन है कि अपने दफ्तर में डांस करवा रहे हैं, हंसी ठिठोली कर रहे हैं। उनके इलाके में घिनौनी घटना को अंजाम दिया गया, आरोप उनके बेहद करीबी शख्स पर है, लेकिन अखिलेश यादव के कानों पर जू तक नहीं रेंगी। दरअसल 11 अगस्त की देर रात 15 साल की नाबालिग लड़की अपनी बुआ के साथ आरोपी के कॉलेज में नौकरी मांगने गई थी। आरोप है कि नवाब सिंह यादव ने जबरदस्ती लड़की के कपड़े उतरवाए और दुष्कर्म की कोशिश की। लड़की के फोन कॉल पर पहुंची पुलिस ने नवाब को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया, इसके बाद 14 दिन के लिए जेल भेजा। इस मामले में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आरोपी बुआ भी गिरफ्तार हो गए। हम सीधे रुक कर लेते हैं, हमारे सहयोगी अजय दुबे इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अजय, अब तो एक एक कर रेप कांड के सभी आरोपी गिरफ्तार, बुआ को भी गिरफ्तार कर लिया गया, अब तो बोले अखिलेश यादव या डांस में ही मशगूल रहेंगे?